यूपी चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई लखनऊ में। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यूपी भाजपा की बैठक, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल हैं। 2017 में हारी सीटों को लेकर मंथन हो सकता है, तो रणनीति फुल प्रूफ बन रही है भारतीय जनता पार्टी में। और लखनऊ में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हैं, और जो सीटें 2017 पे हारे थे उस पर इस वक्त मंथन यहां पर जारी है। तो हारी सीटों को कैसे जीता जाए इस पर भाजपा का महामंथन इस वक्त चल रहा है। चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक इस वक्त लखनऊ में हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो जानकारी मिल रही है कि मंथन कई तरीके का, अनुभव का सीधे हम रुख कर लेते हैं। अनुभव, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल रही है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा है इसका? देखिए 2022 में बीजेपी का राज हो, इसके लिए बीजेपी ने जो अपनी एक तरीके से तीन लोगों को जो नियुक्त किया है, यानी हम कहें कि जो राज हैं बीजेपी के, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, राज, वो किस तरीके से अब स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं ताकि बीजेपी का ही राज हो 2022 में उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो गोरखपुर गए, गोरखपुर क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की, उन्हें जीत का मंत्र दिया, तमाम सारी बातें कही। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा पहले पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, साथ ही साथ गोरखपुर से आए प्रदेश अध्यक्ष भी थे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह थे। और आपको अगर हम दिखाएं, सामने जो आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त लाइटें जल रही, वहीं पर अभी महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद हैं, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। क्योंकि अब कल जेपी नड्डा को जाना है कानपुर, वहां पर कानपुर क्षेत्र के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन होना है और 8 पार्टी के जो कार्यालय हैं उनका उद्घाटन करेंगे, यानी कानपुर का जो पार्टी कार्यालय उसका तो उद्घाटन करेंगे, 7 और जिलों का पार्टी कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अभी फिलहाल इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2017 में लगभग 80 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उन्हीं सीटों को लेकर एक मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री चूंकि साथ में आए थे यहाँ, जब जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंच गए उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से सीएम आवास चले गए, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ से निकले हैं। और अब एक बैठक जो है, क्योंकि पहले जो हम कहें जो डिनर है वो मुख्यमंत्री आवास पर होना है और वहीं पर एक बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक। बिल्कुल, यानी कि बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा। अनुभव, आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स के लिए आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल आपका